शुभमध्याह्नः अधुना वयं सर्वे प्र सौहार्दं प्रकृतेः शोभा इति पाठस्य पञ्चमभागं पठामः गद्यांशं पठामः पश्यन्तु अधुना अत्र मयूरः किं वदति इति वृक्षोपहितः वृक्षोपरितः स अट्टहासपूर्वकम् वृक्षोपरिता अट्टहास पूर्वकम् वृक्ष के चारों ओर टहाका लगाते हुए टहाका लगाते हुए बाय टेकिंग अराउंड एंड मेकिंग साउंड ओके विरम विरम आत्म श्लाघाया विरम विरम आत्म श्लाघाया आत्म प्रशंसा करने से थोड़ा रुको रुको ओके ऐसे क्यों कह रहा है देखो किम न जाना सी यत किम न जाना यत अधुना एक श्लोक अवत अस्ति पश्यतु रुको क्या नहीं जानते कि इधर मोर नाचते हुए बंदर को कह रहा है कि तुम चुप बैठो तुम जरा सुनो मेरी बात तुम क्या ये नहीं जानते हो क्या नहीं जानते हो देखेंगे यदि न सत नरपति यदि न सियात नरपति अनुनासिक संधि यदि न सत नरपति ही, सम्यक नेता तत प्रजा अकर्णधारा जलधौ ವಿಲ್ಪವೆ ನೈ ವಿಲ್ಪವೇತೆ ನೌ ಇವ ಯರಪತಿ ಸಮ್ಯೇತ ಪ್ರಜಾ ಅಕರ್ಣಧಾರಾ ಜಲಧೌ ವಿಲ್ಪವೆಹ ನೌರಿ ನೌಹು ಇವ ನೌರಿವ ವಿಸರ್ಗರಕಾರ ಅಶ್ಯನ್ ಕಂ ವದತಿ ಮಯೂರ ಪಶ್ಯಂತ यदि उचित नेता राजा न हो तो यदि न सियात नरपति यदि उचित राजा न हो तो प्रजा बिना वाली नौका के सम्यक नेता तथा ततः प्रजा बिना वाली नौका के समान समुद्र में समुद्र में ही डूब जाती है ओके मिलमल्लाह एवरी वन नो ओके बोट सेलर इफ ही इज नॉट देयर देन द बोट सिंग्स यस इन द सेम वे हियर ऑल्सो वी नीड अ वेरी गुड किंग टू रन दिस फॉरेस्ट ओके टू रन दिस एडमिनिस्ट्रेशन सो हियर इज टेलिंग अबाउट द सेम यदि उचित नेता राजा न हो तो प्रजा बिना मल्लाह वाली नौका न हो तो प्रजा क्या बन जाती बिना मल्लाह वाली नौका जैसे बन जाती है अकर्णधारा जलधौ जलध समुद्र में हम्म समुद्र में सागर में नौहूव नौहू इव नौका नौका के समान कैसे नौका के समान हो जाती है उसको कर्णधार ही नहीं है उसके समान हो जाती है ओके न कर्णधारा अकर्णधारा ऐसे वो उधर कह रहा है उसका अन्वय देख लेते हैं अन्वय पश्य तो यदि सम्यक नेता नरपति न सैत ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ जलधवेत

को जानाती तब ध्यानावस्थाम को जानाती तव ध्यानावस्थाम हम्म तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता ओके स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बिचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खाते खा जाते हो तुम्हें धिक्कार है तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपिमा, अपमानित हो गया है डू यू नो दैट स्टोरी यस एज अ सेंट द ही वॉज सिटिंग एंड ही किल्ड मैनी ऑफ द फिश यस सो हियर इज द स्टोरी ओके सो हियर द मयूर मीन्स पी कॉक इज टेलिंग मयूर हा वदती कम प्रति बकम प्रति वदती प्रति प्रति वदती, वदती? तुम्हारी ध्यान अवस्था सबको मालूम है को न जानाती तव ध्यानावस्था स्थित प्रज्ञ व्याजेन वराकान मीना छलेन व्याजेन वराकान मीनां छलेन स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बिचारी मछलियों को छल से पकड़कर वराकान मीनान वराकान मीन्स बिचारी मछलियों को हम छल से पकड़कर छलेन अधिग्रह्य क्रूरता से क्रूरतया भक्षयसी क्रूरतया भक्षयसी किम करोति भवतः क्रूरतया भक्षयसी क्रूरता से खा जाते हो धिक्त्वाम धिक अर्थम के पश्यत तुम्हें धिक्खा धिकार दि, है धिक तव धिकव पक्षी एव पक्षीकूल जातम् ओनली बिकॉज ऑफ यू ओके तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है किसके कारण बगुल के कारण ओके बगुल के कारण क्या हो गया है इधर सब अपमानित हो गया है भगुला के कारण अभी देखो अभी कौन बोलेगा हम इतना हो गया अभी देखो इधर ये ड्रामा ड्रामा की तरह है नाटिका है तो इसमें समझाया जा रहा है हमें कुछ तो अभी देखो क्या कह रहा है अभी पश्य अत्र सवर्गम वदर्ग सगर्व सवर्ग नगर्व सगर्व अतएव कथयामी यत अहमेव योग्य वनराजपदा घमंड से बोल रहा है क्या बोल रहा है यत एव वदामि अतः एव कथयामी इसलिए कहता हूँ ही वनराज वनराजपद के लिए योग्य हूँ अहमेव योग्य वनराज पदाय वनराज पद के लिए शीघ्रमेव मेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा शीघ्र मेव मम राज्याभिषेक शेखा तत्परा सर्वे वन्यजीवा शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तैयार हो जाए बंदर कह रहा है देखो वी मयूर अरे वनरा तूषणि भव अरे अरे तूषणिम भव अरे बंदर चुप रहो अरे वानरा तूषणिम भव अरे बंदर चुप रहो वनराज के लिए वनराज के पद के लिए तुम कैसे योग्य हो कथ योग्यनराजपदा कथव योग वनराजपदा पश्यतु पश्यतु मम शिसी राजमुकुटमिव शिखा स्थापयता पश्यतु पश्यतु मम शिसी राजकुटमी शिखा स्थापयता देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा चोटी स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बन गया बनाया गया हूँ किसने बनाया है? मुझे स्थापया था विधात्रा एवं पक्षी राजा कृतः किसने बनाया भगवान ने ही मुझे बना के भेजा है क्या बना के भेजा है पक्षीराज बन बना के भेजा है पहले से ही वो जानता था कि मैं राजा बनने के लिए श्रेष्ठ हूँ इसलिए मेरे विधाता ने ही बना के भेजा है अत्र पश्य तो एव अहम पक्षिराज कृता कृता, 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 कृता कृता अत्र कृत्यय पास्ट टेंस बना के भेजा है कृत पुिंग कृता हा, कृता स्त्रीलिंग कृत नपुसकलिंग अत्र पश्यन्तु अतः वने निवसन्तं मां वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणाम् अपि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अत्र पश्यन्तु हाँ अतः हा, वने निवसन्तं अतः वन में रहने वाले मुझको वनराज के रूप में अतः वने निवसन्तं मां वनराज रूपे रूपेणाम अपनी दृष्टुम सज्जा भी देखने के लिए आप सब तैयार हो जाओ आप सब अपनी मन की बात डाल लो कि मैं ही वनराज बनने वाला हूँ आप सब ने मन में ठान लीजिए कि मैं ही वनराज बनने वाला हूँ और तैयारी शुरू कीजिए ऐसे कौन कह रहा है मयूर कह रहा है मरूर मयूर देखो आगे क्या कह रहा है यतः कथम को अपि अन्यः कह अपि अन्यः कह अपि विसर्ग उत्त्व अत्र लोप भवति अ अस्य लोप भवति एस मार्घ भवति कः अपि को अपि तदनंतरम अपि अधिक अन्यः अप्य अन्यः हं प्यन्नः विसर्ग या यण संधि अत्र केम संधि भवति यण संधि इ इ परे अ आगच्छति चेत् य भवति तदा एतत यण संधि भवति कः अधिकापि विसर्ग संधि अपि यदिक अन्यः अप्यन्यः यण संधि कथम् कोपि अन्यः कथम को विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः अन्यथा कर्तुं क्षमः अत्र पश्यन्तु किम भवता क्योंकि अन्य कोई भी कैसे विधाता का निर्णय को करने में विपरीत करने में समर्थ है सो so, आप लोग टाल ही नहीं सकते हो क्योंकि विधाता नहीं है, मुझे ऐसे करके भेजा है तो विधाता के अगेंस्ट कोई जा सकता है क्या अपर कोई जा सकता है नहीं ना तो आप तैयारी शुरू कीजिए अतः कादती पश्यू काम वह सहित सव्यंगम व्यंगेन सहित पश्यतु किम् वदति कि अरे अहिभुक् अहिभुक् अरे अहि अहिभुक् सर्पभक्षी।, सर्पभक्षी, अरे अहिभुक् सर्पभक्षी नृत्य अति नृत्याति, रिक्तम। नृत्याति रिक्तम। संधि नृत्य अधिक अतिरिक्त नृत्यातिरक्त दीर्घसंधि नृत्य अतिरिक्त का तव विशेषता नृत्य अतिरिक्त नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है नृत्य के अतिरिक्त तुम्हें कुछ आता भी है क्या तव विशेषता पदाय योग्येन वनराज पदाय योग्य मनियामहे वनराज मन्यामहे वयम् कौवा कह रहा है अरे सर्पभक्षी नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है विशेषता है कि हम तुमको वनराज के पद के लिए योग्य माने कुछ तो विशेषता बताओ नृत्य छोड़ के तो हम मान लेंगे कि तुम हाँ राजा बन सकते हो क्या खूबी है तुम में बताओ तो सही ऐसे कौवा कह रहा है ओके अभी इस पद्यांश में हम गद्यांश में हमने इतना ही देख लिया है अभी हम शब्दार्थ देख लेंगे सा साटहास सा पूर्वकम अट्टहासेन न आत्मश्लाघा आत्म आत्म प्रशंसा विल्पवेतेह विल्पवेत अधिक इ विलतेह गुणसंधि अ के सामने ई आया तो ए बन जाता है तो ये गुणसंधि विल्पवेते है पश्यतु अत्र निमज्जेत मत्रम किम विशित डूब जाती है किसके कारण डूब जाती है अगर वो उधर नौका चलाने वाला नहीं है तो वो डूब जाती है अभी देखो जलधौ सागरे नौ हु इव नौकाया सन नौ, नौ हु इव नौकाया समानम व्याजन छलन क्रूरतया निर्दयतया शिसी मस्तके ओके अधुना वे सर्वे प्रश्नोत्तरा पशा प्रथम प्रश्न वयम पशा एक उत्तरत पश्य प्रजा अकर्णधारा नौ इव कुलपेत प्रजा अकर्णधारा नौ इव

क्रूरतया भक्षयसी क्रूरतया भक्षयसी कहा वदती का कहा वदती वा कम प्रति वदती बगुलम बकम प्रति वदती शीघ्रमेव कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तुः सर्वे वन्य जीवाः शीघ्रमेव कस्य कस्य वदन्तु वानरस्य वानरः वदति चेत् तत्र सर्वथा सर्वमेव भवेयुः वानरस्य कस्य शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एव अहं पक्षिराजः कृतः कस्य शिरसि मयूरस्य शिरसि पूर्णवाक्येन उत्तरत मयूरः वनराजप्राप्तये आत्मानं योग्यं कथं स्वीकरोति मयूर वनराज प्राप्त आत्मा योग्य कथम स्वीक मयूर वनराज प्रात आत्म योग्यम एवं प्रकारेण हाउ डज ही एक्सप्लेन दैट ही कैन बी अ किंग अट्वाट वेर धीज क्वालिटीज डज ही शो मम शिसी राजकुटम शिखा स्थापयता विधात्रा एव अहं पक्षिराजः कृतः अतः कथं कोपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः अधुना द्वितीयं पश्यतु काकः का किं कथयित्वा काकः का किं कथयित्वा वनराजप्रदाय वनराजपदाय योग्यं न मन्यते वनराजकाकः किं कथयित्वा मयूरं वनराजपदाय न योग्यं न इति मन्यते काकः मयूरम् इदं कथयित्वा वनराजपदाय योग्यं न मन्यते किं कथयित्वा पश्यन्तु अरे अहिभु अरे सर्पभक्षि नृत्य अतिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम् एतत् काकः वदति

त्वाम वनराज प्रदाय योग्यम मनयामहे वयम इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम कहाँ वदति पश्यतु वयम हाँ वयम यत त्वाम वनराज प्रदाय योग्यम मनयामहे तथा वद्वयम कुत्र अस्ति अन्ते अस्ति परंतु वयम मनयामहे वयम मनयामहे वयम डैश 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 मनयामहे अतः अधुना अत्र वयं कर्तृपदं अस्ति स्थितप्रज्ञः इति व्याजेन वरकान् मीनान छलेन आदि गृह्य क्रूरतया भक्षयसि क्रियापदं किम् अस्ति पश्यतु क्रियापदं भक्ष धातु भक्षयेति भक्षतः भक्षयन्ति भक्षयसि भक्षयसि अत्र क्रियापदं अस्ति ओके okay? मयूर इतस्थे अत्र प्रयुक्त अहिभुक् सर्पभक्षी स्थित प्रज्ञ व्याजेन वराकान्मीना छलें अगृह्य क्रूरयता भक्षेसी विशेष पद कि अस्त अनेक बार पटाप्रज्ञती व्याजेन वराकान्मीन अतिगृह्य

दयाया इत्यस्य विलोम पदं किम् अस्ति दयाया क्रूरतया अत्र वय अव्यय पदं किम् न अस्ति पश्यतु तुष्निम् अव्ययम् यदि अव्ययम् यत् अव्ययम् नौहु अव्ययम् नास्ति नौका अस्ति ना नौहु नौहु अव्ययम् नास्ति सर्वे इदं जानन्ति इति अहम् मन्ये पठन्तु तथा